जय हिंद दोस्तों। बड़ी खुशखबरी यानी जिसका इंतजार रहता है सेना के अंदर सभी को, वो लिस्ट जारी हो गई है। और उस लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं उनके आप नाम दे सकते हो, कितने हैं वो मैं बताऊंगा, और उन्हें लाखों का कैसे कैसे फायदा होगा, क्या क्या फायदा होगा, पेमेंट में क्या फायदा होगा, पेंशन में क्या फायदा होता। सबसे पहले आज जो गजट नोटिफिकेशन निकला है उसका मैं दिखाता हूं कि ड्राफ्ट गजट इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 1 सेक्शन 4, उसमें लिखा है, सीधा सीधा लिखा है, 15 अगस्त 2024, द प्रेसिडेंट इज प्लेस टू अवार्डेड ऑनरी कमीशन टू द रैंक ऑफ ऑनरी कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2024 टू द अंडर मेंशनड ऑनरी लेफ्टिनेंट जेसी ऑन एक्टिव लिस्ट। यानी आप समझ सकते हो कि आपको ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट की लिस्ट जारी हो गई है। और दोस्तों मैं बात करूंगा, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट थे वो ऑनरी कैप्टन बने, वो 450 की संख्या है। यानी आर्मी की बात करूं, 450 जो आपके सूबेदार लेफ्टिनेंट और सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट थे वो 450 कैप्टन प्रमोटेड हुए हैं। और जो सूबेदार और सूबेदार मेजर अपनी कलर सर्विस करके जाने वाले हैं उनको आप समझ सकते हो 1800 लोग उसमें से लेफ्टिनेंट बने, और कुछ लोग अगली 26 जनवरी में कैप्टन बन के पेंशन जाएंगे। यानी सभी को सैनिक जीवन चैनल की तरफ से मुबारकबाद। यानी जानते हैं ये एक्स्ट्रा ऑनरी है, उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन का उन्हें इनाम मिलता है दोस्तों, रैंक का इनाम मिलता है। और जब तक वो सर्विस में रहते हैं तो आप समझ सकते हो एक लेफ्टिनेंट है जो सर्विस में रहता है तो एक सूबेदार है। अब एक सूबेदार है, लगभग उसकी आप पूरी तनख्वाह होती है, लगभग जा करके आप समझ सकते हो 60,000 लगा लो प्लस डीए, यानी मैं आपको बोल रहा हूँ 85,000-90,000 होती है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट 56,100 बेसिक पेंशन, 15,500 मिलिट्री सर्विस पे बढ़ती है, 71,600 उसका मूल वेतन होता है, और वो टीपीटी आपकी अलग, एचआरए अलग, अलाउंसेस अलग, और डीए मैं जोड़ दूँ डायरेक्टली तो 37,948 यानी 1,10,000 का हकदार होता है मूल वेतन का। उसके ऊपर टीपीटी बाकी चीजें अलग है, यानी आप समझ सकते हो लगभग 1,25,000-30,000 पर वो लेफ्टिनेंट पहुंचता है। और इसी के साथ कैप्टन होता है उसकी 61,300 मूल वेतन हो जाती है, कहां सूबेदार से बना हो, सूबेदार लेफ्टिनेंट से बना हो या सूबेदार मेजर से बना हो, और फिर जाकर 15,500 एमएसपी भी 5,200 बढ़ती है, और 76,800 उसका मूल वेतन होता है, और उसके साथ डीए 40,704 होता है, तो 1,17,000 यानी बाकी चीजें मिलाएंगे लगभग 1,30-1,35 पर पहुंचता है। तो इतना फायदा है जब आप सर्विस कर रहे हो, ये सारी सुविधाएं आप ले रहे हो, एक अफसर तेरे रह रहे हो, और ये आप जब सूबेदार और सूबेदार मेजर से आपको लेफ्टिनेंट बनता है तो आपको मैं ये कह रहा हूं 20-25 लाख का फायदा, 30 लाख का फायदा आप समझ सकते हो जबरदस्त होता है। क्योंकि जो पेंशन आप सूबेदार से आते थे 28,000 और 30,000 ले रहे हो, वो पेंशन अब लेफ्टिनेंट कैप्टन से आओगे तो 43,000-44,000 लोगे, वो सूबेदार मेजर से आप रिटायर्ड होते तो आपकी 32,000-34,000-35,000 तक पेंशन पहुंचती है, वो आप 44,000-45,000 लोगे, तो 10,000 और प्लस डीए आप लगा लो उस मूल वेतन पे, आप समझ सकते हो अभी डीए की हालत कितना है, आप समझ तो पेंशन में आपको 17-18,000 का पर मंथ फर्क है, और आजीवन ये आपको फायदा मिलेगा। और रिटायरमेंट के टाइम बिल्कुल दोस्तों आपका लीव इन कैसे है, वो यदि आपका 8,000 था तो कम से कम आप वो जाके 10-12 लाख पे पहुंचेगा, सॉरी लाखों की बात कह रहा हूं, वो वहां पर पहुंचेगा सिर्फ आपको ऑनरी मिलने से। वो जो ग्रेचुटी आपको 12-13 लाख मिलनी थी वो 18-19 लाख मिलेगी, वो कम्यूटेशन आपको 24-25 लाख मिलेगा, यानी सारी चीज एकदम आपको बढ़ गई है। यानी लगता है यदि आप इतने पैसे को व्यवस्थित कर लेते हो तो फिर आपको यहां ज्यादा ताक झांक करने की जरूरत नहीं, आप एक फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हो। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है और खुशखबरी है, और सभी के लिए हम आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ तरीके से अपने घर वापसी करें, और जो रह रहे हैं इसका पूरा फायदा उठाएं, पार्ट ऑर्डर कराएं। यदि किसी को और कोई इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमसे नीचे जो हमारा मोबाइल नंबर है इस पर संपर्क कर सकता है। यानी इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति महोदय ने ये आपको तोहफा दिया है, मुबारक हो, धन्यवाद।